नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिग अनबॉक्सिंग के अंदर। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा होना भी चाहिए। सो गाइस, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ सैमसंग कंपनी का 314 लीटर का रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर। सो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट के प्रेजेंस की, प्रोडक्ट के क्वालिटीज की और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम इस प्रोडक्ट को करीब से देखते हैं। सो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप फ्रंट लुक 314 लीटर सैमसंग के रेफ्रिजरेटर का। ये है कन्वर्टेबल 5-in-1 ट्विन कूलिंग रेफ्रिजरेटर। सो इसका सिल्वर कलर है, बहुत ही जो ग्लॉसी और प्रीमियम इसके लुक्स है। ये रेफ्रिजरेटर आपके किसी घर में साइड में रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रीजर के डोर के सेंटर पे हमें मिलता है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के सबसे ऊपर में ब्रांडिंग की गई है ट्विन कूलिंग की। ट्विन कूलिंग के बारे में हम वीडियो के अंदर आगे बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे के साइड तीन बटन मिलते हैं, फ्रीजर का, कर्ड का और फ्रीज का। अगर आप फ्रीजर के बटन को प्रेस करेंगे तो आप फ्रीजर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर इसी बटन को आप 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो आप फ्रीजर को फ्रीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आप कर्ड के बटन को प्रेस करते हैं तो आप कर्ड की जो सॉफ्टनेस और थिकनेस है उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो जिस तरह का अगर आपको कर्ड चाहिए उसी तरह का कर्ड आप ले सकते हैं। एंड फिर ऑप्शन मिलता है फ्रीज का, इससे आप फ्रीज के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज, अगर हम डिटेल में बात करें कि कन्वर्टेबल 5-in-1 का क्या मतलब होता है, सो आप गौर से सुनिएगा ये कैसे काम करता है। सबसे पहले तो नॉर्मल जो फ्रिज जैसे वर्क करता है, नीचे फ्रिज होता है, ऊपर फ्रीजर होता है। सबसे पहला मोड ये होता है, एंड सेकंड मोड ये होगा कि आप फ्रीजर को फ्रिज के अंदर कन्वर्ट कर दे। थर्ड मोड ये होगा कि नीचे फ्रिज है जो नॉर्मली काम करता रहेगा, सो जो ऊपर वाला फ्रीजर है उसको आप प्रॉपर ऑफ कर दे। ये कब काम आएगा, जैसे कि आप कहीं काफी दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास इतना घर पे सामान है जो फ्रिज के अंदर आ जाएगा लेकिन आपको फ्रीजर की जरूरत नहीं है, तो आप फ्रीजर को ऑफ करके जाइए और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सेविंग होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ फ्रीजर को ऑन रखें, फ्रिज वाले पार्ट को बंद कर दें। इसमें अगर आप काफी लंबे दिनों तक जा रहे हैं तो ये ऑप्शन यूज करें। एंड फिफ्थ ऑप्शन ये है कि आप फ्रीजर वाले पार्ट को फ्रिज के अंदर कन्वर्ट करें, एंड जो ओरिजिनल फ्रिज वाला सेक्शन है उसको आप प्रॉपर ऑफ कर दें। एंड अगर आपको छोटी ही स्टोरेज चाहिए जिसमें फ्रीजर की जो स्टोरेज है वो इनफ रहेगी, उसको आप फ्रिज के अंदर कन्वर्ट करके उसके अंदर अपना जो आइटम है वो स्टोर कर चले जाएं। तो होप दोस्तों, अब आपको जो कन्वर्टर 5-in-1 के ऑप्शंस है वो अच्छे समझ आ गए होंगे। फिर यहाँ ऊपर राइट साइड में सैमसंग ने अपनी ब्रांडिंग की है। उसके बाद आ जाता है स्टार रेटिंग का स्टिकर। यहाँ पे आपको 2 स्टार की रेटिंग मिल जाती है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो है 258 यूनिट पर ईयर का। एंड अप्लाइसेज है, रेफ्रिजरेटर ब्रांड है सैमसंग, मॉडल एंड ईयर है RT34A462S8 HL2022। तो बिल्कुल ये जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर का मॉडल है, टाइप है फ्रॉस्ट फ्री है, ग्रॉस वॉल्यूम 314 लीटर, स्टोरेज वॉल्यूम है 288 लीटर। उसके साथ साथ आपको 10 इयर्स की वारंटी मिल जाएगी। जो 1 साल की वारंटी होती है वो पूरे ऑल ओवर रेफ्रिजरेटर पे होती है, बाकी की जो 9 साल की वारंटी रहती है वो सिर्फ कंप्रेसर पे रहती है। एंड डिजिटल इन्वर्टर मिलता है। उसके फायदे है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम कंज्यूम करता है रेफ्रिजरेटर, एंड जो नॉइज है वो भी बहुत कम हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है लॉन्ग हैंडल जो रेफ्रिजरेटर के डोर्स को इजिली ओपन कर पाएंगे। एंड यह स्टिकर लगा हुआ है 7 more reasons टू ऑन ए सैमसंग रेफ्रिजरेटर। अप टू 15 दिनों की जो वेजिटेबल्स के अंदर फुल फ्रेशनेस रहेगी। 6 smart sensors लगे हुए हैं पूरे रेफ्रिजरेटर के अंदर। अप टू ₹8,640 की जो आपको एनर्जी सेविंग का मौका मिल जाता है इस रेफ्रिजरेटर के साथ में। 31% फास्ट आइस मेकिंग है, 70% मॉइस्चर फुल फ्रेशनेस है, 31% फास्टर कूलिंग, एंड ऑल्सो रन ऑन होम इन्वर्टर। सो गाइस, ये काफी सारी खूबियां आपको मिलती है इस सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो अब हम देखते हैं फ्रीजर वाले पार्ट को करीब से। फ्रीजर के गेट को ओपन करते ही हमें फ्रंट में ब्रांडिंग दिखती है ट्विन कूलिंग की। सो ट्विन कूलिंग क्या चीज है, कैसे काम करती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ट्विन कूलिंग के अंदर सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। ट्विन कूलिंग के अंदर क्या होता है, जो वेंट्स होते हैं, जो कूलिंग वेंट्स होते हैं फ्रीजर के एंड फ्रिज के, रेफ्रिजरेटर इन दोनों की एयर को बिल्कुल अलग रखता है, मिक्स नहीं होने देता। उसे क्या होगा कि सपोज कीजिए आपने फ्रीजर के अंदर कोई फ्रोजन फूड या फ्रोजन मीट रखा हुआ है, उसकी जो एयर है वो फ्रिज वाले पार्ट के अंदर जाके मिक्स नहीं होगी। So, ये सिंपल सा फंडा है ट्विन कूलिंग का। जो दोनों पोर्शंस की एयर है, जो वेंट्स में कूलिंग है, वो सेपरेट रहती है एंड वो मिक्स नहीं होती। एंड फिर है सेंटर में टफन ग्लास की एक ट्रे जो इस पोर्शन को 2 सेक्शन में डिवाइड करती है। एंड दोनों ही सेक्शन में अलग से आपको कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में आपको कंपनी की तरफ से आइस क्यूब्स का बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर आप आइस क्यूब्स इजीली बना पाएंगे। एंड अगर डोर की तरफ देखें तो यहाँ पे भी 2 छोटे-छोटे सेक्शंस बने हुए हैं। इसके अंदर आप कोई भी मेडिकल स्टफ या फिर कोई भी कॉस्मेटिक स्टफ रखिए। सो ये रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर वाले पार्ट के अंदर हमें अच्छा खासा और बड़ा स्पेस मिल जाता है।
सो अब देखते हैं फ्रिज वाला पार्ट करीब से। सबसे पहले यहाँ आपको एक ऊपर की साइड लाइट मिल जाएगी। इस लाइट का यूज है वो रात में होता है मोस्टली। जैसे ही आप डोर को ओपन करेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है एंड आप इजीली देख पाएंगे कि आपका कौन सा खाने वाला स्टफ कहाँ रखा हुआ है। एंड फिर मिलते हैं टफन ग्लास की 3 से 4 ट्रेज। ये ट्रेज हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं, ये अच्छा खासा और काफी हैवी लोड भी सहन कर लेती हैं। एंड बैक साइड में अगर आप देखें तो आपको हर सेक्शन में अलग से वेंट्स मिल रहे हैं कूलिंग के लिए, फ्रेशनेस के लिए। एंड यहाँ पे भी ट्विन कूलिंग की ब्रांडिंग की गई है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात की हुई है। एंड फिर ऑप्शन मिलता है डिओडोराइजिंग फिल्टर्स का, जो पूरे फ्रिज वाले पार्ट के अंदर ताजगी एंड फ्रेशनेस बनाए रखते हैं और स्मेल्स को आपस में मिक्स नहीं होने देते। एंड फिर आप देख रहे हैं एक बॉक्स जिसके ऊपर लिखा गया है कर्ड मैस्ट्रो। सो ये बॉक्स क्या काम करता है, ये बॉक्स कैसे काम करता है बात करते हैं। ये बॉक्स के अंदर स्पेस रहता है ऑलमोस्ट 1 से 1.5-2 लीटर का। सो इसके अंदर आप मिल्क डाल दें एंड जो कर्ड बनाने वाली जितनी जो भी प्रोसेस होती है वो आप सारी इसके अंदर कर दीजिए। उसके बाद आप इसको अगर अगली सुबह देखेंगे तो आपको कर्ड इसके अंदर तैयार मिलेगा। अगर आपको याद होगा कि फ्रीजर के डोर पे जो कंट्रोल पैनल था उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि अगर कर्ड का ऑप्शन है, अगर आपको उसकी थिकनेस है वो आपको कितनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिकनेस चाहिए, नॉर्मल चाहिए या बिल्कुल कम आपको इसको कर्ड की थिकनेस चाहिए, तो वो भी सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन फंक्शन हमें सैमसंग की तरफ से मिलता है। एंड फिर है बिल्कुल नीचे की साइड में वेजिटेबल बॉक्स, काफी अच्छा खासा और बड़ा बॉक्स है ये। आप इसके अंदर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इजीली स्टोर कर पाएंगे। एंड इसके अंदर ही आपको मिल जाता है वो आइस क्यूब्स वाला बॉक्स। सो जब आप रेफ्रिजरेटर बाद में यूज करें तो आप ये बॉक्स फ्रीजर के अंदर रख लें। एंड ये है फ्रिज की डोर साइड। ऊपर की साइड आपको एक छोटी सी रैक मिलती है, इसके अंदर आप कोई भी मेडिकल या फिर कॉस्मेटिक स्टफ रखिए। एंड फिर मिलते हैं 2 छोटे रैक्स, इसके अंदर एक ट्रे पहले से ही बिल्ट इन है। एंड फिर लास्ट में मिलता है टॉल बॉटल्स के लिए रैक, इसके अंदर आप जो लंबी 2 लीटर की वाली बॉटल्स है वो भी स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सैमसंग के 314 लीटर के रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें काफी अच्छा खासा और बड़ा स्पेस देखने को मिल जाता है और बहुत ही एडवांस फंक्शंस भी साथ में मिल जाते हैं। सो गाइस ये है रबर जो रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को बाहर जाने से प्रोटेक्ट करता है एंड जो रेफ्रिजरेटर को एयर टाइट बनाकर रखता है। सो काफी रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है कि इसको आप अच्छे से साफ नहीं कर पाते, बट ये फंक्शन हमें सैमसंग के रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत अच्छा मिल जाता है। आप इसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं, पूरा अंदर से आप अच्छी तरह साफ करें एंड साफ होने के बाद आप इसको तभी के तभी वापस अंदर फिट कर दें। एंड ये है रेफ्रिजरेटर की बैक साइड जो सारी की सारी ऑलमोस्ट 80% कवर रहती है और नीचे की साइड जो मोटर की तरफ है वहां ओपन रहेगी ताकि हीटिंग इश्यूज ना हो। सो अब दोस्तों आपको जो प्रोडक्ट की वीडियो है, जो प्रोडक्ट का वॉक अराउंड है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की रिलेटेड प्राइस रेंज की। तो जो इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज रहेगी वो रहेगी 40,000 से लेकर 41,000 रुपए के बीच में। जैसे मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूं, अगर आपको यही प्रोडक्ट इससे महंगे में मिले तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर यही सेम प्रोडक्ट आपको इससे सस्ते में मिलता हो तो आप उसको एज ए ऑफर भी ले सकते हैं। सो गाइस अगर आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कैसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन कॉन्टेक्ट डिटेल पर जाइए। अगर आपको ऑल ओवर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं या फिर ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड दोस्तों बिग अनबॉक्सिंग पर अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।